विराट कोहली अनुष्का शर्मा की शादी हो चुकी है जनाब, लेकिन शादी के बाद आखिर क्या है दहेज का मामला? अनुष्का शर्मा कुछ लेके जाने वाली हैं दहेज में, किसे लेकर जाएंगी, क्या लेकर जाएंगी, बताते हैं आपको। नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। भाई साल की सबसे बड़ी शादी हो और दहेज की बात ना हो, ये बात थोड़ी बेमानी सी हो जाती है। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी की। विराट अनुष्का की आपने शादी देख ली, रिसेप्शन देख लिया, गेस्ट देख लिए, हनीमून की तस्वीरें देख ली, इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन जनाब किसी ने ये नहीं बताया कि जब अनुष्का शर्मा विदा होकर जाएंगी विराट के पास तो दहेज में क्या लेकर जाएंगी। दरअसल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों पेट लवर्स हैं, यानी जानवरों से उन्हें खासा लगाव है और दोनों के पास अपना अपना डॉग भी है। अनुष्का के डॉग का नाम है डूड और विराट के डॉग का नाम है ब्रूनो। ये दोनों अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं और अब आपको बता देते हैं कि अनुष्का दहेज में जिसे लेकर जा रही है वो है अनुष्का का पेट डॉग यानी कि डूड। जी हाँ, अनुष्का अपने डूड को साथ में लेकर जाने वाली हैं दहेज में। वैसे देखा जाए तो जैसे अनुष्का विराट को कंपनी देने वाली हैं जीवन भर के लिए, वहीं पर विराट के डॉग ब्रूनो को मिलने वाली है कंपनी अनुष्का के डॉग डूड की। तो इस तरीके से हमने आपको बता ही दिया कि आखिर अनुष्का शर्मा दहेज में क्या लेकर जा रही हैं। तो अनुष्का शर्मा दहेज में लेकर जा रही हैं अपने प्यारे डॉग डूड को। वैसे अनुष्का अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डूड के साथ यानी अपने डॉग के साथ फोटोज पोस्ट करती रहती हैं। अनुष्का विराट दोनों पेट लवर्स हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2017 को मुंबई में इनका ग्रैंड रिसेप्शन शुरू हो चुका है। बॉलीवुड और खेल जगत के तमाम बड़े सितारे इस आलिशान रिसेप्शन पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद ये माना जा रहा है कि दोनों शायद एक दो दिन के लिए जा सकते हैं न्यूयॉर्क अपने हनीमून को सेलिब्रेट करने के लिए, देन उसके बाद साउथ अफ्रीका टूर पर तो जाने वाले हैं, ये बात कन्फर्म है। पर अभी ये लेटेस्ट न्यूज है कि आखिर अनुष्का जब जाएंगी विराट के घर तो दहेज में अपने डॉग डूड को लेकर जाने वाली हैं। फिल्मी बीट की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।